हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज मैं मशरूम दो प्याज़ा की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। खाने में बहुत स्वादिष्ट लगता है। इसको आप रोटी, नान, पूरी, पराठा के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। सिंपल मसालों के साथ रेडी किया है। जो घर में मसाले होते हैं उन्हीं से बनकर रेडी हुआ है मशरूम दो प्याज़ा। चलिए शुरू करते हैं। मैंने पानी को बॉयल करने के लिए रख दिया है। उसमें आधा चम्मच नमक डाल लिया है और मैंने मशरूम को अच्छे से वॉश कर लिया है। उस बड़े मशरूम हो तो 4 टुकड़े कीजिए, छोटे हो तो 2। सारे मशरूम को ऐसे ही कट कर लेंगे। और हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा प्लीज। थोड़ा दही लिया है, चिकन मसाला है, कसूरी मेथी, काजू, खड़े मसाले, दालचीनी, लौंग, काली मिर्च, बड़ी इलायची, तेज पत्ता, क्रीम, एक टमाटर, 3 प्याज, 5 लहसुन की कली, 1 इंच टुकड़े अदरक का, 2 मिर्ची। हमारा पानी अच्छे से खौल गया है। उसमें मैंने मशरूम को अच्छे से बॉईल कर लिए। उसका पानी निकाल देते हो। बॉईल करने से उसमें जितनी भी गंदगी रहती है वो निकल जाती है और मशरूम सॉफ्ट हो जाता है। इसका पानी निकल गया है। अब मैं मशरूम को मैरिनेट कर लेती हूँ। आधा चम्मच नमक डाल देते हो, आधा चम्मच कसूरी लाल मिर्च, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर, थोड़ा चिकन मसाला डाल लेते हैं। कसूरी मेथी हाथ से क्रश करके डाल देंगे। चिकन मसाला नहीं है तो गरम मसाला डाल सकते हैं। दो तीन चम्मच दही डाल देते हैं और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। और इसको 5 मिनट के लिए ढक के रख देते हैं। अब प्याज के 4 टुकड़े कर लेंगे। फिर इसके ऊपर का एक एक प्याज का निकाल देंगे। ऐसे ही सारे प्याज को कर लेंगे। चलिए प्याज को चॉप कर लेते हैं। बारीक चॉप कर लेते हैं। हमारा प्याज चॉप हो चुका है। अब हम एक जार में टमाटर, टमाटर, लहसुन, अदरक, मिर्ची और थोड़े काजू डाल देंगे। अच्छे से उसका पेस्ट बना लेंगे। पेस्ट हमारा रेडी हो चुका है। जो प्याज हमने अलग अलग किए थे उसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। अगर हमारे चैनल पे आप नए आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारा प्याज हो के रेडी हो गया। निकाल देते हैं इसको। एक पैन लेते हैं, पैन में तेल डालते हैं। 4 चम्मच तेल डालना।
अच्छे से फैला लेंगे इसको, गरम होने देते हैं। अब हमारा तेल गरम हो चुका है, एक तेज पत्ता डाल देते हैं, छोटे टुकड़े दालचीनी का, एक बड़ी इलायची, दो छोटी इलायची, दो लौंग, चार काली मिर्च। हम चार लोग के लिए बना रहे हैं उसके हिसाब से डाल रहे हैं। आधा चम्मच जीरा, एक चुटकी हींग, इसमें प्याज जो मैं चॉप करके रखी थी उसको डाल देते हैं। प्याज को हल्का ब्राउन करेंगे। देखिए हमारा प्याज भुन गया है। अब इसमें मैं अदरक, लहसुन और मिर्ची और टमाटर, काजू का पेस्ट बनाई तो वो डाल देते हैं। अच्छे से भून लेंगे। हमारा मसाला भून गया, इसमें आधा चम्मच हल्दी डाल देंगे, आधा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच सब्जी मसाला, आधा चम्मच कसूरी लाल मिर्च पाउडर और 2 चम्मच चिकन मसाला। इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे, तब तक भूनेंगे जब तक कि हमारा मसाला तेल ना छोड़े। थोड़ा पानी डाल देते हैं ताकि हमारे मसाले चिपके ना। अब जो मैं मशरूम मैरिनेट करके रखी थी उसको डाल देंगे। मैरिनेट करके रखने से अच्छा फ्लेवर आता है। मशरूम के अंदर तक मसाले चले जाते हैं। इसको 5 मिनट भूनेंगे हम। देखिए हमारा मसाला बिल्कुल भून के रेडी हो गया। अब इसमें फ्रेश क्रीम डाल दूंगी। देखिए मशरूम का कितना प्यारा कलर आ गया है, स्मोकी फ्लेवर देने के लिए मैं लास्ट में नमक डालती हूँ। स्वाद अनुसार नमक डालिएगा। जो प्याज को मैंने फ्राई करके निकाला था उसको डाल लेते हैं। धनिया से गार्निश कर लेते हैं। मशरूम दो प्याजा बन के रेडी हो चुका है। तो स्मोकी फ्लेवर दे देते हैं। थोड़ा सा घी डाल देंगे कोयले के ऊपर। फटाफट इसको ढक देंगे 5 मिनट के लिए। 5 मिनट बाद देखते हैं। वाह कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। इसको सर्व करके मैं दिखाती हूँ। इसको धनिया से गार्निशिंग कर लेंगे।
थोड़ा क्रीम डाल देंगे। अब हमारा मशरूम दो प्याज़ा रेडी हो चुका है। आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।